ये देखिए जी, मिसेज को आज फिर ड्रिप लगी हुई है, तो अभी इसका जो है ना वो स्टमक वाला मामला ठीक नहीं हो रहा है। तो गाड़ी के अंदर जो मेन चीज़ होती है ना वो इंजन रूम होता है। इंजन रूम देखे बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, अपनी ओरिजिनल हालत में है। ये देख गाइज, अभी हम जा रहे हैं जी बाहर, और मिठू वैस जो है ना इनको भूख लगी हुई है, इनको खाना खिलाएंगे। मैंने गन भी ले ली। क्या लेना है? गन। कौन सी गन? वो पटाके वाली होती है ना, उसमें पटाके वाली गन लेनी है। वो क्या करनी है आपने? मैं खेलना है उसे। तुमने क्या लेना है? मैंने भी वही लेनी है पटाखे। तुमने भी गन लेनी है? तुमने क्या करनी है? गन मैं खेलूंगा उसे, पटाखे मारूंगा। पटाखे मारोगे? अगर वो तुम्हारे हाथ पे लग गया पटाखा फिर? नहीं, उसमें आपको बताओ क्या डलता है। क्या डलता है? वो उसमें ना एक वो होती है गोल सी पत्ती सी, वो डलती है अंदर। पत्ता होता है उसके अंदर? हाँ, पत्ता होता है, पटास होती है। हाँ, पटास होती। तो गाइज एक पत्ता होता है गन के अंदर, उसके अंदर पटास डलती है और बच्चे उसको ठक ठक करके चलाते हैं, तो बच्चों को अभी वो लेके देते हैं। मिसिस की तबीयत आज फिर खराब थी, तो उसको जनाब मैंने उसके घर छोड़ दिया, तो वो अपने भाई के साथ गई है। अब उसको वो लगा हुआ है वो इंजेक्शन, वो ड्रिप वाला लगा हुआ है, तो अभी तक उसकी तबीयत नहीं ठीक हो रही। मेरा ख्याल है कि हमें कोई 15 दिन हो गए हैं नारायण गांव से वापसी आए हुए, पता नहीं उधर का पानी सूट नहीं किया। हालांकि मैं भी ठीक हूँ, बच्चे भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह से, लेकिन उसके स्टमक में प्रॉब्लम हुई है और मैदे में दर्द वगैरह है। तो अभी चलते हैं जाके उसका पता लेते हैं, और फिर रास्ते में बच्चों को खाना शाना, क्योंकि हम घर में हम तीन अकेले थे, मतलब कि ये दो बच्चे हैं मेरे साथ और मैं हूँ, बाकी मिसेज गई हुई है, अरूश फातिमा भी उसके साथ ही है। तो अभी हम बाहर जाते हैं, बाहर जाके वहाँ से कुछ खाते हैं। ले जी गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दी है और अभी निकलते हैं जनाब। हाँ मिठू, कहाँ जाना है? हम वहाँ पे चले जाते हैं, डीप रोस्ट पे। डीप रोस्ट पे कुछ खाना है? भूख लगी है। चलो चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारी गली का व्यू है जनाब, इधर कोई पहाड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमें तो याद आ रही है बार बार नारायण का गान की, कि यार वहाँ पे पहाड़ थे, खूबसूरती थी, ठंड थी। अच्छा हम ना यहाँ पे पाकपतन चौक में ना दी ब्रोस्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे इनका ना ब्रोस्ट वगैरह अच्छा होता है, तो अभी इनसे ब्रोस्ट लेते हैं। अच्छा जी, ये दी ब्रोस्ट का मेन्यू है, इसके अंदर ब्रोस्ट वगैरह 320 रुपये का लेग पीस और चिकन पीस। अच्छा तुमने क्या खाना है? हैं? मैंने क्रिस्पी चिकन खाना। क्रिस्पी चिकन खाना तुमने? मैंने क्रिस्पी चिकन। भी इनसे क्रिस्पी चिकन मंगवाते हैं और आपको दिखाते हैं इनका क्रिस्पी चिकन किस तरह का होता है। ले जी हमारा आ गए जी चिकन रोल, ये देखिए और साथ में चटनी। तो इब्राहिम ले लो बेटा। ले जी मिठू को ना पसंद आ गया। हाँ जी कैसा है? कमाल हो गया। कमाल क्या? हाँ भी तुम्हें पसंद आ रहा है? ये तो फुल मजे का है। फुल मजे का है। ले जी मैं भी अभी ट्राई करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बेहतरीन टेस्ट है। मुझे असल में ना देसी ब्रोस्ट पसंद है, तो बच्चों को KFC पसंद है, लेकिन इनको मैंने कहा KFC हमने बाइकाट किया हुआ है, तो KFC नहीं हमने खाना, इसलिए फिर आज बच्चों ने भी देसी ब्रोस्ट ही खाया मेरे। हमारे यहाँ पे ना ब्रांड्स के ऊपर आजकल चल रही है जनाब आज़ादी सेल। इस रोड पे ना रश काफ़ी है, क्योंकि हर बंदे की ख्वाहिश यही होती है कि यार सेल में से कुछ ले लें। ये देखिए साया है, 30% ऑफ है। इसी तरह सारे ब्रांड्स जो है ना उन्होंने ऑफ किया हुआ है आज़ादी सेल की वजह से। ये देखिए स्टॉल्स पे कितना ज़्यादा रश है, इस साइड पे देख सकते हैं आप। ये हमारे इस गर्ल्स कॉलेज रोड पे ना सारे स्टॉल लगे हुए हैं 14 अगस्त के वाले से, तो यहाँ पे झंडियाँ और ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। ये देखिए जी मिसेज को आज फिर ड्रिप लगी हुई है, तो अभी इसका जो है ना वो स्टमक वाला मामला ठीक नहीं हो रहा है, तो जिसकी वजह से ना फिर दोबारा ड्रिप लगवानी पड़ी। अच्छा आप कैसी तबीयत है आपकी? पहले से ठीक है। पहले से ठीक है? हाँ जी। तो ड्रिप से कोई फायदा हुआ है? हाँ, थोड़ी सी पेन कम हुई है। पेन कम हुई है, चले अल्लाह करे जी जल्दी जल्दी सेहत याब हो। फिर हमारा जो कुकिंग का काम भी रुका हुआ है और उसके अलावा फिर ये ब्लॉग्स भी हैं। आप भी सब बहन भाई दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द शफा दे। The next day. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अच्छा जी देखिए सुबह सुबह आज हमारे सिटी का मौसम जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है। देखिए काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है,
ये देखिए, अगर आपको मेरे मोबाइल से आवाज़ आ रही है या आपको नज़र आ रही है बारिश, ये देखिए यहाँ पे क्लियर है और काफ़ी तेज़ है बारिश, तो अभी स्टार्ट हुई है। देखिए कितनी देर होती है, ये 5-10 मिनट का ही छट्टा लगता है आजकल, क्योंकि आजकल सावन भादो जो है ना, मौसम ऐसा है कि बस ये 2-3 मिनट 5 मिनट बारिश होती है, उसके बाद फिर रुक जाती है। 2 hours later अभी जनाब मैं ना एक ये रीलिंग लेके आया हूँ, ये हमने लगानी थी अपने नए किचन के अंदर ना, एक स्लाइडिंग अलमारी बना रहे हैं, तो उसके अंदर हमने ये रीलिंग इंस्टॉल करनी थी। तो वैसे तो ये बाइक का काम था, लेकिन मैंने इसको गाड़ी में ही घुसा लिया। अब देखिए ये यहाँ पे फंसी हुई है, और इसका दूसरा पीस जो है वो आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा विंडो से, इसको बाहर निकाल के और मैं लेके आऊँ। ये तकरीबन कोई 8 इंच की लंबी लेंथ होती है, तो इसलिए ये ना या तो बाइक पे आती है, गाड़ी में मुश्किल है, तो मैंने देसी जुगाड़ लगाया, गाड़ी के अंदर इसको रख के ले आया हूँ। गाड़ी जो है ना ये मैं सेल कर रहा था, क्योंकि ना मुझे कुछ पर्सनली पैसों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ये है कि बंदा कभी किसी के साथ अगर उधार करे या कभी कोई मतलब कोई वादा करे, तो उसको जल्द अज जल्द पूरा करे जो टाइम होता है। तो इसलिए फिर मैंने ना फैसला ये किया कि मैं अपनी ये वाली गाड़ी जो है ना ये सेल कर देता हूँ, और इंशाल्लाह ताला जैसे ही हमारे पास कोई आइंदा दिनों में कुछ जब अल्लाह ताला ने चाहा तो अल्लाह ताला कोई और गाड़ी दे देगा हमें। तो फिलहाल हम इसको सेल कर रहे हैं क्योंकि हमें पैसों की ज़रूरत है। बाकी गाड़ी की मैं आपको कंडीशन दिखा देता हूँ। ये देखिए कल इसको मैंने वॉश करवाया था, और ये जो है ना आज बारिश हो गई है बाहर, तो बारिश की वजह से ना मिट्टी वगैरह तो टायरों पे आ गई है, लेकिन फिर भी कंडीशन जो है ना नीट एंड क्लीन है। और मैं आपको ना इसकी कंडीशन जो है ना दिखा देता हूँ। ये देखें, ये दिखने में ऐसी है, ठीक है जी। सुजुकी वैगन आर 2017 मॉडल है, मेरे नेम पे है। अगर किसी बहन भाई ने लेनी हो, किसी को घर के लिए अच्छी गाड़ी चाहिए रखने के लिए, तो ये बेहतरीन ऑप्शन है। ये देखें, ये इसकी साइड्स आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी है। और ये पीछे ये है जनाब इसकी डिग्गी वाली साइड, ठीक है जी। और ये इसकी ड्राइवर साइड आ गई, तो सारी साइडों से नीट एंड क्लीन है। बाकी अंदर से मैं आपको रूम भी दिखा देता हूँ। चाबी इसकी देखिए, कीलेस एंट्री है। तो ये अंदर से ना इसकी रूम की कंडीशन है, देखिए रूम भी साफ़ सुथरा है, अंदर से नीट एंड क्लीन है। छत देखिए, अभी तक इसके ये शॉपर नहीं उतारे कि बिल्कुल साफ़ है। और ये पीछे सीटें हैं, जो सीटों के ऊपर ना ब्लैक पोशिश हुई हुई है, इसके नीचे जो है ना इसकी ओरिजिनल पोशिश है। और ये चीज़ें आप देख लें, ये चीज़ इसकी बिल्कुल साफ़ है। ये जो सुजुकी लिखा होता है ये अक्सर ख़त्म हुआ होता है, मीठा होता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और एक मज़े की बात ये है कि इसके अंदर हमने ये एंड्रॉयड पैनल इंस्टॉल करवाया हुआ है। ये देखिए, इसमें आप म्यूजिक वगैरह का मज़ा ले सकते हैं बेहतरीन। और साथ इसके पीछे कैमरा लगाया था, बैक कैमरा जो है ना उससे काफ़ी बेहतरी हो जाती है गाड़ी को बैक रिवर्स आगे पीछे करने में। ये देखिए, ये अभी गियर को बैक करता हूँ मैं, तो ये देखिए ये बैक कैमरा इसका ऑन हो गया। ये देखिए पीछे का व्यू दिखा रहा है सारा, ठीक है जी। गाड़ी के अंदर जो मेन चीज़ होती है ना वो इंजन रूम होता है। इंजन रूम देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, अपनी ओरिजिनल हालत में है। ये देखिए, ये अभी तक सुजुकी का सारा ये इसके टैग शैग लगे हुए हैं, और इंजन आपके सामने ही है, इंजन की जो कंडीशन है। और ये बोनट चेक कर सकते हैं, बोनट की सीलें चेक कर सकते हैं। देखिए जी, बिल्कुल अपनी ओरिजिनल हालत में है। तो मैंने ये सोचा था कि हम ना इस गाड़ी को सेल करके जो हमने पैसे देने हैं वो दे देते हैं, और इसको पहले क्लियर करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम गए थे इसको नारान का गान लेके, तो मैं इसको हुंजा तक इस गाड़ी को लेके गया हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह से 1% भी इस गाड़ी ने मुझे तंग नहीं किया, बिल्कुल ये सही चलती रही है। किसी जगह पे इसने कोई रुकावट नहीं की, ना ही पानी कम किया है, टायर भी इसके नए हैं, एसी इसका बिल्कुल ठंडा चिल्ड एसी है। मेरी तो शुरू से कोशिश यही है कि यार जो ना हम किसी के कोई 1 रुपया भी ना रखें, जिसके मैंने पैसे देने से मैंने उधार पकड़े थे पैसे अपने किचन को तैयार करवाने के लिए, तो वो पैसे मैं उनको वापस कर दूंगा ये गाड़ी सेल करके। और गाड़ी की जो सबसे ख़ास बात है ना कि ये मेरे अपने नाम पे है, इसके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, मेरे नाम पे है, फौरी से जो बंदा ख़रीदेगा उसको बायोमेट्रिक करवा के दूँगा। पीछे का व्यू चेक कर सकते हैं, बारिश के बाद बेहतरीन है,
ये देखिए माशाल्लाह, अभी थोड़ी सी बारिश हुई है यहाँ पे।